हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पिजन लवर्स चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका पिजन लवर्स चैनल में। तो भाइयों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई, आज का कमेंट गौरव भाई ने पूछा है भाई कि कबूतरों की आंख का इलाज बताएं। कबूतरों की आंखें आ रही हैं या खराब हो रही हैं, उसके इलाज के बारे में पूछा है। आज उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, वो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे। ठीक है भाइयों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। तो भाइयों देखिए, जैसे कि गौरव भाई ने पूछा है कि कबूतरों की आईज का इलाज बताएं, जो कबूतरों की आईज खराब हो रही है उनके लिए इलाज बताएं। तो भाई, उनके लिए इलाज मैं आपको बताता हूँ। देखिए भाई, जैसे कि बरसात का मौसम चल रहा है अभी, ठीक है, इस बरसात के मौसम में आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो आईज आने का कारण बता रहा हूँ भाई मैं आपको। ये अपने लॉफ्ट में आप भाई सफाई रखो, ठीक है, सफाई रखोगे तो आईज वगैरह नहीं आएंगी, क्योंकि आँख जो आती है भाई, इसमें ये समझ लो जो बीट होती है लॉफ्ट के अंदर, और कबूतर उसमें ज़्यादा बीट हो जाती है, और जब बारिश होती है तो उसके कारण सिलावी आती है लॉफ्ट में, उस सिलावी के कारण बीट जो गर्म, ये मान लो गीली होने लगती है, हल्की हल्की सिलावी सी आ जाती है। अगर आपके लॉफ्ट में पानी भी नहीं आ रहा है तो एक सीलन सी महसूस होगी आपको। तो भाई, उसके कारण कबूतरों के आँख आने के चांस बन जाते हैं। आँख आना, जुकाम होना, ये नॉर्मल सी बात है एक बरसात के मौसम में। और इस चीज को आप बचाने का जो तरीका भाई, सबसे पहले देखो, इसे आप कोशिश ये करो कि ऐसा कुछ हो ही ना, कबूतर की आँख आए ना। तो उसके लिए आप यही काम करो, अपने लॉफ्ट में बिल्कुल अच्छे से सफाई करो। जिन भाइयों ने मिट्टी वगैरह डाल रखी हो, अगर कहीं से मिट्टी गीली वगैरह होगी हो तो उसे गीली मिट्टी को उठा के बाहर निकाल दो और दूसरी सूखी मिट्टी डाल दो। और कबूतर जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पर प्रॉपर सफाई हो और सूखा रहना चाहिए, एकदम गीला ना हो कहीं से भी, तो आपके कबूतरों में इंशाल्लाह कोई भी आँख या जुकाम वगैरह की बीमारी बहुत कमी के साथ आएगी इंशाल्लाह। ठीक है भाई, तो इसमें मैं आपको जुकाम की भी बताऊँगा और आँख की भी बताऊँगा, दोनों चीज़, क्योंकि भाई टाइम थोड़ा कम मिल पा रहा है मेरे को वीडियो बनाने में। ये भी वीडियो काफ़ी टाइम में आई है, उसके लिए मैं समझ आऊँगा, मगर मैं कोशिश यही करूँगा कि भाइयों आपके लिए मैं वीडियो लेके आता रहूँ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है भाई, तो इसमें पहले मैं आपको आँख का इलाज बता देता हूँ कि आँख, जिन भाइयों के कबूतरों की आँख आ चुकी हैं वो भाई क्या करेंगे, और जिन भाइयों के कबूतरों को जुकाम हो रहा है वो क्या करेंगे। तो पहले आईज वाली बात मैं आपको बता देता हूँ भाई। देखो, अगर आँख भाई ज़्यादा आ रही है, उसके अंदर देखो आप वाइट सी डील सी होगी, एक रिंग सा बन जाता है वाइट कलर का, अगर वो रिंग हो रहा है आँख में तो उसे भाई निकालें, इसकी सफाई करें अच्छे से पहले आँख की, ठीक है। और अगर नहीं है तो भाई आप उसकी एक बार फिर भी सफाई कर दें, गुलाब जल ले लेंगे या फिटकरी ले लेंगे, ठीक है, गुलाब जल या फिटकरी, सिर्फ हल्का सा ये मान लो, अगर गुलाब जल लिया है भाई तो उसमें तो कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है आपको, वो तो हल्का सा कॉटन ले लो, कॉटन पे लगाओ और उससे आँख साफ कर दो उसकी। और अगर भाई फिटकरी है आपके पास तो ये समझ लो एक गिलास पानी में उसे, ज़्यादा नहीं, आप 7-8 बार या 10 बार इस तरीके से डुबा के निकाल दो तो भी ठीक है, और उसमें कॉटन से उसकी आँखों की सफाई कर दो अच्छे से। जब आँख की सफाई हो जाएगी भाई, तो उसके बाद आपको भाई ये ड्रॉप लेनी है, ठीक है, ड्रॉप में नाम छोटा है भाई, प्रॉपर दिखा नहीं पाऊंगा मैं, इसका फोटो शो कर दूंगा सामने, देखो ये फोटो शो हो रहा है इधर, ये फोटो देख लेना आप, ठीक है। तो इसमें भाई, इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, इसका नाम है जिफ्लोटास, ठीक है, जिफ्लोटास के नाम से आएगी ये, जिफ्लोटास डी के नाम से है भाई, सॉरी, जिफ्लोटास डी, इस नाम से आई ड्रॉप आएगी, और ये आई ड्रॉप ले लेना, बहुत अच्छी ड्रॉप है भाई, और ये सुबह शाम आप दिन में एक एक बूंद डालनी है आपको, एक बूंद सुबह में डालनी है, एक बूंद शाम के टाइम डालनी है आपको, ठीक है। तो उससे क्या है, कबूतर की आँख आपकी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। और भाई, इसे आप अगर ज़्यादा आँख आ रही है तो आप दिन में 3 टाइम भी डाल सकते हो, 4 टाइम भी डाल सकते हो, यानी कि आप हर 1.5-2 घंटे में भी डालते रहोगे तो अच्छी बात है भाई। वैसे देखो इंशाल्लाह एक बार डालोगे तो आपको अगले दिन ही फर्क दिखाई देगा कबूतर की आँख पर इंशाल्लाह, लंचा।
मगर भाई इसमें अक्सर कुछ लोग क्या करते हैं, मान लो ड्रॉप डाल दिया और उसका पानी आना बंद हो जाता है, या दूर से आंख ऐसी लगती है जैसे अब ठीक है। मगर आंख प्रॉपर ठीक कब होती है भाई, आप कबूतर की आंख पकड़ के चेक करना, अगर एक आंख मारी है तो दूसरी आंख आपको चेक करनी है, उसकी जो पलके हैं वो पलके चेक करना भाई, जोन सी आंख आई भी होगी ना उस आंख की पलक में और इधर जो सही वाली आंख थी उसकी पलक में अंतर होगा, वो जो आंख आई थी वो आईज की पलक जो है मोटी होगी, थोड़ी सूजन सी आई होती है उसमें, और जो सही वाली आंख थी उसकी पतली होती है। जब तक वो साइज में ना जाए आई ड्रॉप डालते रहने चाहिए मेरे हिसाब से। कुछ भाई क्या करते हैं, ड्रॉप डाल दी एक दो दिन और ठीक हो गई, पानी आना बंद हो गया और उनके अब ठीक हो गई, छोड़ दो। मगर भाई फिर भी ड्रॉप डालनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर जब उसकी सूजन कम हो जाए ये समझ लो तब इसकी आंख ठीक है। कम से कम ना तो आप हफ्ता भर डालो तब जाके आंख प्रॉपर आती है, हो तो जाएगी एक रात में भाई। मगर जो बिल्कुल जड़ से खत्म होगी वो भाई तभी होगी, अगर आप ये समझ रहे हो कि कोई भी ड्रॉप लाके एक बार डाल दो। और देखो बहुत भाई बताते भी हैं कि एक बूंद डाल दो और इंशाल्लाह ठीक, भाई ठीक हो जाती है, ये भी देखना रिजल्ट बहुत अच्छा है, एक ही बूंद इसका बहुत कितना काम करेगी। मगर जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना उस चीज़ को थोड़ा बारीकी से देखना आप कभी अजमा के, जिन भाइयों के कबूतरों की आँख आ रही हो और ड्रॉप जब डालो आप, ये जिफ्लोटास डी के नाम से ड्रॉप है, मैंने बताई है पहले भी, तो इसमें आप जब एक बूंद डालोगे उसके बाद देखना फर्क तो लगेगा, मगर आपको चेंजिंग भी उसकी आंख में दिखाई देगी, उसकी पलक जो होगी, जो आंख खराब थी उसकी आंख की पलक थोड़ी सूजन सी होगी, एक मोटी आंख होगी थोड़ी सी हो, तो भाई उसके डालते रहना है जब तक वो बारीक ना हो जाए, क्योंकि जड़ से तभी खत्म होगा। और ये चीज मैं आपको बता कैसे रहा हूँ भाई, एक कबूतरी मेरे पास भी थी, उसकी आई जाई थी, मैंने उसके ड्रॉप डाली, एक रात में ठीक हुई, दूसरी में वो ठीक हुई, मगर भाई मैंने उसके कम से कम विश्वास करना 16-17 दिन ड्रॉप डाली रेगुलर, बस ये हो गया था जब उसकी आँख प्रॉपर ठीक हो गई थी और जो सूजन की मैं बता रहा हूँ वो रह गई थी, तो मैं बस दिन में शाम के टाइम डालता था इसे एक बार, एक दिन में एक ही बार डाल रहा था मैं उसके एक बूंद। उसके बाद जब शुरू में ज़्यादा थी तो मैंने तीन टाइम डाली थी भाई, सुबह दोपहर और शाम, ठीक है, उसके बाद मैंने फिर पर डे एक बूंद डाली थी। तो आप जब इस तरीके से डालोगे भाई दोबारा आँख आने की ना इंशाल्लाह। और कुछ कबूतरों की ऐसे हो जाती है, मान लो आपने ड्रॉप डाल दी ठीक हो गई, एक दिन दो दिन डाली और छोड़ दिया आपने, फिर पता लगी कि दोबारा आ गई। बहुत से भाइयों ने देखा भी होगा कि ये बोलते हैं कि भाई ड्रॉप डाल दो तो ठीक हो जाती है और ड्रॉप डालनी बंद करो तो दोबारा ऐसी हो जाती है। तो भाई ये चीज़ आपको इसी तरीके से करनी है जो मैं बता रहा हूँ, इसमें मैंने बिल्कुल बारीकी से बताया आपको, ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, और लॉफ्ट में सफाई का विशेष ध्यान रखना भाई, इस टाइम गीली बीट ना हो लॉफ्ट के अंदर आपके, क्योंकि गीली बीट के कारण बीमारी बननी स्टार्ट हो जाएगी भाई और बहुत दिक्कत में आ जाएंगे कबूतर। तो आप अपने लॉफ्ट को साफ सुथरा भी रखना है, और भाई ये चीज़ भी आपको करनी है, जो स्प्रे हमने बताई है भाई वो स्प्रे भी आपको अपने लॉफ्ट में तीसरे चौथे दिन करते रहने ना है, इस टाइम ये समझ लो बीमारी भाई बरसात में घुस जाती है लॉफ्ट के अंदर, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको बचाना है बहुत अच्छे से, और ड्रॉप माशाल्लाह बहुत अच्छी है, ठीक है भाई। तो भाई जुकाम के लिए मैं बताता इसमें मगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है ना, तो मैं जुकाम के लिए भाई दूसरी वीडियो अलग ही बनाऊंगा फिर, क्योंकि ये ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, आइस के बारे में बताने में ज़्यादा लंबी हो गई भाई, और अगर जुकाम के बारे में बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए भाई जुकाम के लिए मैं पर्सनल दूसरी वीडियो बना के अपलोड करूँगा, ठीक है भाई। तो भाई मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास तक पहुँचती रहे, ठीक है भाइयों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।